ये लड़की मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही है या फिर ये खुद एक मॉन्स्टर है। जैसे ही वो मुक्का मारने का इशारा करती है, मॉन्स्टर भी वही करता है जो उसने किया था, जिसकी वजह से मॉन्स्टर उसके बगल में हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जैसे ही वो लड़की नाचती है तो मॉन्स्टर भी नाचने लगता है। लड़की जो कुछ भी करती है मॉन्स्टर उसकी नकल करता है। ऐसा लगता है जैसे उनका शरीर एक ही है। तो वो ऐसा कैसे करती है, आइए ब्रीफ में इस कहानी को समझते हैं। सिनेमा मूवी टाइम प्रेजेंटिंग कोलोसल। कहानी की शुरुआत ग्लोरिया नाम की लड़की से होती है, जिसने अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया है। न्यूयॉर्क से लौटने के बाद वो अपने पेरेंट्स द्वारा छोड़े गए घर में वापस आ गई, लेकिन अब घर बिल्कुल खाली है, इसलिए वो रात को सोने के लिए पास की दुकान से एक एयर बेड खरीदती है। वापस जाते समय ग्लोरिया को गलती से एक पुराना दोस्त ऑस्कर मिलता है, जो बचपन में उसका क्लासमेट था। फिर वो ग्लोरिया को अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। दोनों ऑस्कर के पुराने बार में जाते हैं। ऑस्कर अपने दो दोस्तों को ग्लोरिया से मिलवाता है, जिनके साथ वो बार में कुछ ड्रिंक पीती है। कुछ देर तक बातें करने के बाद ग्लोरिया अपने कंधे पर एयर बेड लेकर घर जाने के लिए निकलती है, तो उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। बीच में वो एक पार्क से गुजरती है। आखिर में थक कर जमीन पर बैठे बैठे ग्लोरिया सो जाती है। इसके बाद एक फोन कॉल से ग्लोरिया की नींद खुलती है। फोन से उसे कुछ अनहोनी होने की खबर मिलती है। जब ग्लोरिया हैरान होकर अपना कंप्यूटर खोलती है तो एक खबर से वो पूरी तरह से दंग रह जाती है। इस खबर में कहा गया था कि सियोल पर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, जिससे लोगों में एक दहशत फैल गई थी। ग्लोरिया इस न्यूज को सुनकर अपने हाथों से अपना मुंह ढक लेती है। इसके बाद शाम को ग्लोरिया फिर से पीने के लिए ऑस्कर के बार में जाती है। वे टीवी पर मॉन्स्टर के बारे में एक खबर देखते हैं। ग्लोरिया देर तक बार में रहती है और घर जाते वक्त वो फिर से पार्क के पास से गुजरती है। मिली जुली भावनाओं के साथ ग्लोरिया एक पार्क की बेंच पर बैठ जाती है और पूरी रात पार्क में ही सोती रहती है। अगले दिन उठकर वो काफी देर तक सोचने के बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फोन करती है। कुछ बोलने से पहले ही उसने फोन काट दिया, जिससे ग्लोरिया इतनी गुस्से में आ गई कि उसने अपना फोन जमीन पर गिरा दिया। घर लौटने के बाद ग्लोरिया अपने मूड को धीरे धीरे शांत करते हुए अपना एयर बेड सेट करने लगती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और ये ऑस्कर है। ये जानते हुए कि ग्लोरिया के पास कोई फर्नीचर नहीं है, वो उसके लिए एक टेलीविजन लेकर आता है। टेलीविजन सेट करते हुए ऑस्कर ग्लोरिया को अपने बार में एक नौकरी की पेशकश करता है, जिसे ग्लोरिया एक्सेप्ट कर लेती है। अपने काम के पहले दिन ग्लोरिया न्यूज में मॉन्स्टर को देखती है। तभी उसे पता चलता है कि जब उसका फोन गिरा था तो मॉन्स्टर ने बिल्कुल उसके जैसी हरकत की थी। ग्लोरिया जितना ही इस बारे में सोचती है, ये बात उतनी ही संदिग्ध होती जाती है। घर लौटने पर वो उस वीडियो को फिर से देखती है। मॉन्स्टर की अपने हाथों को अपने कंधों के सामने रखने की एक्ट लगभग वैसी ही है, जैसी उसकी एयर बेड ले जाने की एक्ट होती है। ग्लोरिया सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। उसे महसूस होता है कि उसे और मॉन्स्टर को एक साथ जोड़ने वाली एक जगह होनी चाहिए, जहाँ से मॉन्स्टर उसकी हर एक्ट की नकल करता है। नक्शे को देखने के बाद उसे आखिरकार वो जगह मिल जाती है, जो कि वो पार्क है जहाँ से वो हमेशा गुजरती रहती है। अपने अनुमान को चेक करने के लिए ग्लोरिया उसी जगह पर जाकर अपना एक हाथ उठाती है और फिर उसे नीचे कर देती है। फिर वो दोनों हाथ उठाती है और उन्हें फिर से नीचे कर देती है। ऐसा करने के बाद वो तुरंत घर पर वापस आती है और टीवी ऑन करती है। जैसा कि उसने सोचा था, मॉन्स्टर तीसरी बार उसे टीवी पर दिखाई दिया, जो अपना एक हाथ उठा रहा था। ग्लोरिया शॉक हो जाती है। यदि पहला इशारा संयोग था तो अगला किसी हाल में संयोग नहीं हो सकता, और मॉन्स्टर तुरंत दो हाथ उठाता है। ग्लोरिया पूरी तरह से घबरा जाती है। उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसने अनजाने में इतने लोगों को मार डाला है। उदास ग्लोरिया शराब पीने के लिए फिर से बार में जाती है और बातचीत में वो अपने दोस्तों को बताती है कि क्या बात है। ये साबित करने के लिए कि वो सच बोल रही है, वे पार्क में जाते हैं। वे कंप्यूटर में वेबसाइट खोलते हैं और लाइव न्यूज फीड देखने का इंतजार करते हैं, क्योंकि ग्लोरिया पार्क में कदम से कदम मिलाकर चलती है। मॉन्स्टर भी ठीक उसके जैसा ही कर रहा होता है। जैसे ही ग्लोरिया डांस करती है, मॉन्स्टर उसके साथ डांस करता है। ये नजारा ग्लोरिया के दोस्तों को झकझोर देता है। फिर ग्लोरिया फिर से कुछ इशारा करती है, जो गलती से एक हेलीकॉप्टर को चकनाचूर कर देता है। हेलीकॉप्टर में पायलट की मौत से ग्लोरिया को गहरा दुख होता है। उसके एक अनजाने में किए इशारे ने किसी की जान ले ली थी। ग्लोरिया पार्क से जाना चाहती है, लेकिन जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद वो बाहर आ जाती है। जब ग्लोरिया जागती है तो उसे पता चलता है कि वो घर पर है। टीवी पर मॉन्स्टर को देखकर वो तुरंत टीवी ऑफ कर देती है। इसके बाद
ओस्कर वहाँ पर आ जाता है और ग्लोरिया के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आता है। ग्लोरिया रोती है और कहती है कि वो खुद को पुलिस के हवाले करने जा रही है, अगर उसने शराब नहीं पी होती तो वो इतने लोगों की मौत का कारण नहीं बनती। ओस्कर ग्लोरिया को शांत करने की कोशिश करता है। फिर पता चलता है कि सियोल में केवल एक मॉन्स्टर ही नहीं है बल्कि एक विशालकाय रोबोट भी है। डिस्कशन के बाद वे सियोल के नागरिकों से माफी मांगने का फैसला करते हैं। वे ओस्कर के हाथ में एक सेल फोन लेकर पार्क में जाते हैं। ग्लोरिया मॉन्स्टर बन जाती है और भीड़ को हटाती है। फिर वो जमीन पर माफी लिखती है। इससे हर कोई सोचता है कि ये एक अच्छा और समझदार मॉन्स्टर है जिसका मतलब लोगों को चोट पहुंचाना नहीं है। ये सुनकर ग्लोरिया को बहुत राहत मिलती है। हालांकि दुर्घटना अभी भी होती है। अगली सुबह ग्लोरिया रोबोट को फिर से टीवी पर देखती है। जब वो पार्क में जाती है तो ओस्कर शहर को नुकसान पहुंचाने का मजा ले रहा होता है। ग्लोरिया ओस्कर को जाने के लिए कहती है लेकिन ओस्कर मना कर देता है। ग्लोरिया के पास ओस्कर को थप्पड़ मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इसके बाद ओस्कर वहां से चला जाता है। इबिल रोबोट को अच्छे मॉन्स्टर द्वारा भगाने का दृश्य सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। खबर पूरी तरह से मॉन्स्टर के प्रति जनता के रवैये को पलट देती है। वे सोचते हैं कि मॉन्स्टर बुरा आदमी नहीं है, इसके उलट ये सियोल शहर को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे जैसे मॉन्स्टर पॉपुलर होता जाता है, ग्लोरिया का जीवन और भी कठिन होता जाता है। ग्लोरिया से बदला लेने के लिए ओस्कर उसे उल्टे सीधे काम करने के लिए कहता है। ओस्कर ग्लोरिया को बियर पीने के लिए भी कहता है लेकिन ग्लोरिया मना कर देती है क्योंकि वो शराब पीने के बाद कंट्रोल खोना नहीं चाहती। लेकिन ओस्कर ने उसे धमकी दी कि अगर वो नहीं पीती तो वो पार्क में फिर से जाएगा। लेकिन ग्लोरिया शराब नहीं पीती और ओस्कर के सामने ड्रिंक उंडेल देती है। ये देखकर वो फौरन पार्क में चला जाता है। ये जानते हुए कि वो ओस्कर को नहीं रोक सकती, ग्लोरिया ने पार्क में ओस्कर के साथ लड़ने का फैसला किया। एक दूसरे को देखते ही वो तुरंत आपस में झगड़ने लगते हैं। इस बीच मॉन्स्टर और रोबोट भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। ग्लोरिया ओस्कर को दमदार मुक्का मारती है और फिर उसका हाथ काट देती है। इसके बाद ओस्कर लड़ाई रोक देता है। उस दिन जब ग्लोरिया दरवाजा खोलती है तो वो अपने घर में ओस्कर को देखकर हैरान रह जाती है। वो समझ नहीं पा रही कि ओस्कर असल में क्या चाहता है। कहानी कई साल पहले स्कूल में एक दिन की है जब तूफान आ रहा होता है। उस दिन ग्लोरिया और ओस्कर अपने स्कूल प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर स्कूल जा रहे थे कि तभी तेज हवा ने ग्लोरिया के प्रोजेक्ट को हवा में उड़ा दिया। इसे देखकर ओस्कर ने अपने खुद के प्रोजेक्ट को नीचे रखा और ग्लोरिया के लिए इसे खोजने के लिए दीवार के ऊपर चढ़ गया। ग्लोरिया भी उसके पीछे दीवार पर चढ़ गई। इसके बाद जो हुआ उसे ग्लोरिया अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाई। ग्लोरिया के स्कूल प्रोजेक्ट को उठाकर उसने उसे ग्लोरिया को नहीं लौटाया बल्कि उसे जमीन पर रख दिया। ग्लोरिया सोच ही रही थी कि ओस्कर क्या करने जा रहा है, तभी वो ओस्कर को अपने पैर से उसके प्रोजेक्ट को तोड़ते हुए देखकर हैरान रह जाती है। इसे देखकर ग्लोरिया को गुस्सा आ गया। लेकिन उसी वक्त कुछ जादू ही हुआ। आकाश में बिजली धीरे धीरे ग्लोरिया के सर पर आ गई और मॉन्स्टर खिलौना बैग से बाहर गिर गया। वहीं ओस्कर भी बिजली की चपेट में आ गया और उसके हाथ से खिलौना रोबोट जमीन पर गिर गया। कई साल बाद उस जगह को पार्क में तब्दील कर दिया गया। आखिरकार ग्लोरिया को पता लग जाता है कि क्या माजरा है। उसे पता चलता है कि ओस्कर वास्तव में किसी और से नहीं बल्कि खुद से नफरत करता है, जो अपनी मीनिंगलेस और बेकार जिंदगी को स्वीकार ही नहीं कर सकता। उनके बीच हुई इस अनबन से एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद ओस्कर अपने घर भाग जाता है और कुछ नुकसान करने के लिए फिर से पार्क में जाता है। ग्लोरिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो ओस्कर को नहीं हरा सकती, जो उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। वो जल्द ही जमीन पर गिर जाती है और ओस्कर को शहर को नुकसान पहुंचाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। जमीन पर जोर से पैरों को रखते हुए देखकर ग्लोरिया को बहुत बुरा लगता है। इससे हजारों लोगों की मौत हो सकती है। घर लौटने के बाद ग्लोरिया दीवार पर लगे नक्शे को देखती है। वो ओस्कर को रोकने का संकल्प लेती है। तभी अचानक उसे एक अच्छा आइडिया आता है। बिना किसी झिझक के ग्लोरिया तुरंत सियोल के लिए उड़ान भरती है। इसी बीच ओस्कर ड्रिंक करके पार्क जाता है। जल्द ही रोबोट सियोल में दिखता है। इसी बीच ग्लोरिया सियोल पहुंचती है। अपने सामने रोबोट को देखकर वो हिम्मत जुटाती है और उसकी ओर चल देती है। आने वाले खतरे से पूरी तरह बेखबर ओस्कर शहर को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। सियोल के नागरिक दहशत में भागने लगते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा अचानक नीचे गिर जाता है।
रोबोट का पैर उसके करीब आता देख वो इतना घबरा जाता है कि वो अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला पाता। जैसे ही रोबोट उस पर पैर रखने वाला होता है, ओस्कर को अचानक कंपन महसूस होता है। ग्लोरिया आगे बढ़ रही होती है और उधर मॉन्स्टर ओस्कर के सामने आ जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर सीधे ओस्कर को देखता है, ओस्कर घूमता है और दहशत से बाहर भाग जाता है। ये देखते हुए कि रोबोट भागने वाला है, ग्लोरिया उसे तुरंत पकड़ लेती है। जब मॉन्स्टर ओस्कर को उठाता है तो रोबोट भी आसमान में उड़ जाता है। जैसे ही ग्लोरिया अपना हाथ वापस लेती है, रोबोट भी वापस उड़ जाता है। यहाँ पर ओस्कर पूरी तरह से डर जाता है, दया की भीख मांगता है और यहाँ तक कि खुद को कोसता है। ग्लोरिया अपना मन मजबूत करती है और ओस्कर को दूर फेंक देती है। रोबोट के उड़ जाने के बाद मॉन्स्टर भी गायब हो जाता है। वो पार्क भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है और सियोल के लोग मॉन्स्टर के लिए जयकारे लगाते हैं। हालांकि सभी की जान बचाकर ग्लोरिया ये नहीं बता सकती कि वो खुश है या नहीं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो बॉस एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे।